तो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, मैं चमन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजीएस सब्लिमेशन में। आज हम लोग बात करें मेटल शीट के बारे में। मेटल शीट जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग वीडियो में चल रही है। मेटल शीट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी होते हैं, जैसे मोबाइल कवर के बैक में यूज होता है। आजकल आप देख रहे हैं इसको प्रिंट करके आप वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं, डबल साइड टेप से या फिर किसी भी अदर तरीके से। इसको आप स्टैंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके आप बैचेस बना सकते हैं। कई तरीके से इसके यूजेस होते हैं। पहला आपको दिखा देता हूँ, ये होता है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों, ये होती है आपकी मेटल शीट। मेटल शीट का जो साइज आता है वो आता है 12 इंच बाय 24 इंच। ऊपर लेमिनेशन होती है साथियों, लेमिनेशन उतारने के बाद आप सब्लिमेशन करते हैं इसके ऊपर। अभी ये बिल्कुल क्लीन है। इसका सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो भी काफी इजी है। 60 सेकंड्स के लिए मात्र इसको हीट करना पड़ता है और सब्लिमेशन क्वालिटी साथ ही इसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन आती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे बड़ा चैलेंज साथियों हमारे पास ये आता है, हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको कटिंग कैसे करें, क्योंकि आपने वीडियोज में देखा होगा वो मशीन से कटिंग कर रहे हैं, मगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप किस तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिये मैं आपको बताता हूँ, आपको सब्लिमेशन विंडो से प्रिंट निकाला, पहले इसके ऊपर आप ट्रांसफर कीजिए, ठीक है, इसके ऊपर आप ट्रांसफर कीजिए। अगर पहले आपको कटिंग करना है तो इजिली प्रोसेस आपको बताता हूँ कटिंग करने का। आपको कुछ नहीं करना, कोई मशीन नहीं लेनी, आपको जस्ट एक सीजर लेनी है। सीजर से ही आप इसको इजिली कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो भी साइज है वो साइज आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको देखिए, ये तो हो गया आपका सिंपल एक प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं साथी, देखो ये तो हमने काटा है आपका सीजर से, अब हम लोग इसको ब्लेड से कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर आप देख पा, आपने जस्ट इसका साइज लेना है, किस साइज, किसी भी साइज में जिसमें भी आप कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ये रखना है ब्लेड। आपको जस्ट इसको इस तरीके से 6-7 बार आपको जस्ट इस तरीके से करना है इसके ऊपर। ये आपने किया, ये आपका इस पे निशान आ गया, किसी भी सरफेस से आप इसको इस तरीके से मोड़िए और ये आपका इजीली कटिंग हो गया। देख रहे हैं कटिंग हो गया, शार्पनेस कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखिए ये हमने कटिंग किया सीजर और ब्लेड की मदद से, ठीक है, ये हमने कटिंग किया मैनुअली। अच्छा मैनुअली भी आप इजीली कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका प्रिंटिंग प्रोसेस भी काफी इजी है। आपको जस्ट क्या करना है, सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट निकालना है जो कि मिरर होगा। जितनी एचडी क्वालिटी आप लेंगे उतना एचडी आपको प्रिंट आएगा। जस्ट आपको रखना है इस तरीके से और इसको हीट करना है मात्र 60 सेकंड्स के लिए। हमने A3 साइज में प्रिंट निकाला है, इसको भी हम लोग प्रिंट करेंगे और इसको भी हम लोग प्रिंट करेंगे। दोनों का प्रोसेस आपको दिखाता हूं, क्या क्वालिटी आएगी क्या प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी साथियों, क्वालिटी A1, मतलब कि क्या बताऊं आपको, क्वालिटी बहुत सुपर आई है। आप इसकी भी देख सकते हैं, तो देखिए साथियों हम लोगों ने ये मैनुअल कटिंग किया, कोई दिक्कत नहीं आई। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं और किसी भी हैंग इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और अच्छे अमाउंट पे इसके सेल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम लोगों ने ये भी कटिंग किया, इसको भी आप किसी भी स्टैंड में लगा के इसको अच्छे अमाउंट पर सेल कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका इस तरीके से मूवमेंट करता है, या तो आप इसमें डबल साइड टेप लगाइए और इसको किसी भी वॉल पर हैंग कर दीजिए, एक तो ये ऑप्शन हो गया।
सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोग बात करें, हम लोग एमडीएफ में कटिंग करके देंगे आपको वही साइज का A4 या A3, और जस्ट आपको डबल साइड टेप से आपको इस तरीके से पेस्ट करना है। सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, हम लोग A4 में भी यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपको बेस बनाना है, अगर बेस नहीं बनाना है तो आपका इसी तरीके चलेगा, अगर बेस बनाना है तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो, काफी थिकनेस ये मोटाई इसमें हो जाएगी और ये काफी अच्छे से वर्क करेगा। ये देखिए अब आपका वर्क करेगा, अब ये कहीं नहीं जाएगा, इसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे कुछ खराब नहीं होगा। तो ये होता है साथियों एल्युमिनियम शीट का वर्क, इसमें आप कोई भी साइज कटिंग कर सकते हैं मैनुअली या किसी भी तरीके से। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में।